नहीं दिख रहा हमको, ऐसे उघारे पुघारे डाल देंगे तुमको ब्लॉग में हम कि देखिए बाबा क्या कर रहा है घर में, कैसे रहता है बाबा। हेलो जी, जुली सिर की दुनिया में आप सबकी स्वागत है। तो नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं उनको वेलकम। तो चलिए कुछ बातें हमको आप लोग से करना था, तो आज का शुरुआत कुछ बातें से होगी। कुछ है टॉपिक कुछ अभी फोन किया तो फोन में क्या नहीं उठाया। अरे जा भाग गया उधर। बाप रे गरम हो गया। और पी हाथ मुंह सब जल गया। हाँ, नहीं, पता है वो कमेंट की है कोई। क्या वो तुम उधर से नहीं आ रहा था गमछी के लगा के? हाँ, तो उस पे पता ना कोई बच्ची टाइप सी है ना जी, कोई बच्ची है गमछी वाला में। आईडी से पता लगता है कि बच्ची है कि सयानी है। हाँ, कि क्या जो भी है तो कमेंट की है ना, रहती है लड़की या लड़का का नाम से आईडी बना हुआ है। हाँ, तो ना बोले की बोल रहा है पता था मैडम जो भी है कि बड़े बेटे को तो क्या चीज अयासी, बड़े बेटे को उसमें है ना, बड़ा बेटा अयासी कर रहा है। हाँ, और छोटा बेटा स्ट्रगल करके दिखा रहा है। कैसा फैमिली नहीं कैसा फेक फैमिली है, कैसा फेक। कि बड़ा बेटा क्या कर रहा है, छोटा बेटा क्या कर रहा है। अरे वो भी स्ट्रगल कर रहा है, ये भी स्ट्रगल कर रहा है। हमको उसको सफाई देने का जरूरत क्या है, वो है नहीं, कौन स्ट्रगल तो दोनों कर रहा है। नहीं वो है कौन, हमको कुछ भी नहीं, कौन अयासी कर रहा है, कौन कौन वो कर रहा है। हम माँ बाप है, हमको ना देखना है कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। ऐसा थोड़ी है, दोनों अपनी जगह स्ट्रगल ही कर रहा है, कोई यहाँ एक फैमिली का जहाँ तक बात रहा तो फैमिली पे जा रहे हो तो पहले तो अपने आप को देखो कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। फेक आईडी चला रहे हो, कहीं से भी रियल हो तो दिखाओ हमको। आदमी को बोलने के लिए कुछ समझ में नहीं, क्या से क्या बोल देता है। अब मुंह है कुछ भी बोल दे, हम लोग जो रियल है वो रियल दिखाते हैं। वो हर आदमी को दिखता है, ऐसा नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि बच्चा को आरती लेके एनी टाइम उतारते रहेंगे, आप जो कैमरा बंद होगा तो लग जाते रहेंगे। बच्चा हर टाइम में आरती उतारेगा माँ बाप को, कैमरा बंद होगा तो हल्ला गुदल करेगा, वैसा नहीं है। हम लोग जो है सब दिखा देते हैं। क्या दे सनी? दिखाते नहीं दिखाते हम लोग, जो भी है दिखाते हैं हम लोग, उसी में सब कुछ दिखा देते हैं। क्यों उतना सीरियस हो गए? अगर ऐसा हुआ है तो उसको भी बताना। जो क्या बताना, वो है कौन जो उसको हम बताएंगे। राजपूत वो भी अपने शौक के हिसाब से अपने काम कर रहे हैं, ये भी सनी बाबा भी है अपने शौक के हिसाब से अपना काम कर रहा है। वो सब दुनिया जानता है, हर कोई देख रहा है, लोग अपने अपने तरीके से चल रहा है। लोग जो नहीं जान रहा है उसको जानने का जरूरत नहीं है। वो कुछ पल के लिए आते हैं, जैसे बरसाती मेंढक नहीं होता है, देखे है ना, कि वो जब ऐसे जमीन के अंदर मट्टी में धंसा हुआ रहता है जिसके वजह से वो पीला हो जाता है, और वो जब बरसात का पानी पड़ता है ना तो बाहर चिल्लाते हुए निकलता है वो, तो समझ गया ना। अब फिर जो है जैसे हिलाई होगी ना, हाँ तो घास निकाले कमेंट पे आ गई है। हाँ, वैसे 10 वीडियो पे कमेंट कर दी होगी। वो एक बार अब गार्जियन तो चलाने नहीं दे रहा है, तो चलाने नहीं दे रहा, तो एक बार जब मौका मिलता है। कोई गलत नहीं है, ठीक है प्राइवेट करो, लेकिन गलत गलत कमेंट ना किया करो सर, अच्छे अच्छे कमेंट करो ना भाई। देखिए रियल आईडी कोई भी प्राइवेट नहीं रखता है, फेक आईडी जो है ना, जो ऐसे ऐसे जा करके किसी पे जाके गंदगी फैलाना है तो उसको लोग प्राइवेट करके रखता है। तो बोल के भी कोई फायदा है नहीं, इतना बोल रही है कि छोटा बेटा क्या कर रहा है, हाँ, बड़ा बेटा क्या, हाँ, कर रहा है, यानी बहुत दिन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो तुमको तो
थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू तुमने मेरे फैमिली को देखा। हाँ बस और आगे देखना। अच्छा फैमिली क्या करेगा, बाबू देखना इसको, हमारा फेक फैमिली और क्या करेगा, फेक फैमिली है क्या करने वाला, क्या करने वाला है, दोनों बच्चों को इतने प्यार करते हैं, क्या करने वाला है ये भी ये समझ लीजिए कि वो बहुत टाइम से देख रहा है, और कितना समय निकाल करके वो देख करके कमेंट भी किया चार लाइन, तो वो सोच लीजिए कि वो बहुत डीपली इस फैमिली को जान रहा है, लेकिन उसको कुछ ना कमेंट करने के बाद जब नेट खत्म होगा ना, बड़ा होगा ना, रिचार्ज करने पैसा नहीं होगा। हाँ। जब रिचार्ज होगा कोई अपना जितना भी ब्रांच खोल के बैठा होगा ये लोग वहां से मंगाएगा पैसा, वो एग्रीमेंट रहता है कि हम रिचार्ज तभी करेंगे जब फलाने को जा करके और वहाँ गंदा फैला करके आना है तुम्हारे को। अरे माँ बाप अपने बच्चों को से ही सब करते हैं, ये लोग क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप स्टोरी लगाता है कि मैं आज बात नहीं कर पाऊंगी या पाऊंगा क्योंकि मेरा आज रिचार्ज खत्म हो गया। बताना चाह रहे लोग जिससे बात करना है रिचार्ज कर, गमछी ओढ़ने का नहीं, आप नहीं समझ रहे, गमछी ओढ़ने का बात पे नहीं बोली है, वो बोली है जैसे वो देख रही है ना कि बड़ा बेटा यहाँ रह रहा है घर में और छोटा बेटा जो है वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तो वो बात तो सुनिए ना, एक मिनट बात को सुनिए, उसके मैं कमेंट को हम बहुत देखे हैं तरीके से और वो क्या कहना चाह रहा है वो भी हम समझे हैं, तो उसको हम बता देना चाहते हैं कि बड़ा बेटा का जहाँ तक बात है तो तुम या तो तुम जानते नहीं हो अच्छी तरह से, अगर जिस दिन तुम जान जाओगे ना तो ये वर्ड निकालोगे नहीं कि बड़ा बेटा क्या करता है और वो क्या है, समझ नहीं रहे यासी का क्या ये लोग का वर्ड होता है कि जैसे जो घर में है ना वो घर में है तो वो आयासी कर रहा है लोग के नजर में करते हैं, और उसके बीच में हम सब्जियां भी काट लेते हैं। तब आज आपका दिन क्या है जी, आप बताइए। हमारा दिन तो शुरुआत हो चुका है, क्या बताएंगे, सब्जी गोभी के बना लेने जा रहे हैं और ये जो पोई का पत्ता है इसका पकौड़ी बनाएंगे, पकौड़ी हमको बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा नहीं चार पीस भी खाए पर ज्यादा नहीं, पर हाँ अच्छा लगता है इसका, तो ये तो हमारे आपको लोगों को पता है, जो पुराने उनको पता है कि ये कहाँ मिलता है, हमारे टेरेस गार्डन में मिलता है ये, तो और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सारा चीज अपडेट हो जाएगा और बेल घंटी जरूर बजा लीजिएगा। ऐसे ऐसे उल्टे पुलटे शब्द जो बोलते हैं लोग, तो माँ बाप के लिए बच्चे सारे एक जैसे ही होते, कोई अलग नहीं होते हैं, उस बात को बहुत बुरा लगा था जब हम कमेंट पढ़े तो कि बच्चों का फर्क करती हैं कैसा फैमिली फेक है, फेक हमारा फैमिली तो नहीं है, सबसे बता दे क्योंकि हम सब सारा सच्चाई हम दिखाते हैं। अगर हमारे पुराने हैं सब्सक्राइबर तो यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पेज पे जाके देखिए, चाहे इंस्टाग्राम पे देखिए, मेरा सारा रियल रहता है, कोई इसमें नहीं रहता, यहाँ तक फिल्टर भी नहीं लगाते हम, हमें ऐसे भी डाल देते हैं, तो ना तो हमारे फेस पे फिल्टर है और ना हमारे जिंदगी में फिल्टर है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एकदम साफ सुथरा इंसान है भाई, हम लोग एक छोटा सा मेरा परिवार है और बहुत मतलब क्या डाउन टू अर्थ है हम लोग हैं, हम लोग कोई ये नहीं है, हम लोग मारवा चोखा खाने वाले इंसान है, आराम से एक ही मतलब रूम है, घर है छोटा सा हमारा, इसमें खुश रहते हैं परिवार के साथ में, हम लोग को कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि हाँ होटल में खाए चाहे ये खाए, तो इसलिए हमारा कोई फेक नहीं है, एकदम रियल है हमारा, कोई हमारा बड़ा फैमिली नहीं है, छोटा फैमिली हम लोग का है और बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ में, तो आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट ना कीजिए, आप पहले जानिए हमारे परिवार को, जानिए समझिए कि क्या है हमारा परिवार, पूरा ब्लॉग देखिएगा शुरू से अंत तक, तब पता चलेगा आपको कि हाँ हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। नहीं जो अच्छा नहीं लगता वो आप बताइए ना, हाँ, हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है या ये चीज सही नहीं कर रहे हैं, तो जो है प्रूफ के साथ बोलिए तो हाँ। अच्छा लगेगा, उस चीज को ध्यान देंगे, लेकिन पर गलत कमेंट करके आप लोग सोचते हैं कि आए हम कमेंट किए चले गए, भाई मत करिए, आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अब पहली बार की आप पहले पूरा देखिए, अगर फॉलो कर रहे हैं हमें हमारे परिवार को बहुत इसके लिए धन्यवाद आपको जो हमारे परिवार को फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो कर रहे हैं तो सब चीज समझिए हर चीज को, बड़े बेटे के बारे में जानिए, छोटे बेटे के बारे में जानिए और हम सब के बारे में जानिए, क्योंकि हम लोग
शुरू से ही ब्लॉग देखिए, तब पता चलेगा आपको कि हमारा परिवार कैसा है और कितना हम लोग खुश होते हैं छोटा सा चीज में। बड़ा चीज हम लोग को नहीं चाहिए, ये नहीं कि हाँ बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना है उतना में हम लोग खुश हैं। तो और कमेंट करते हैं तो थोड़ा खराब लगता है कि चलिए आप बच्चा हैं जो भी है आप कमेंट कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कमेंट अच्छा सा कीजिए। आज हम बता देते हैं कि सनी जो है यहाँ, हमारा बड़ा बेटा जो है उसको यहाँ धनबाद में क्यों रहता है, वो क्यों नहीं बाहर निकलता है, तो ये चीज़ हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं आज। अभी तक तो हमने नहीं बताया ये चीज़, लेकिन आज आपको क्लियर कर देते हैं कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो बीटेक कर रखा है और वो जो है जॉब नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमने मना किया कि जॉब नहीं करना है, प्राइवेट जॉब कोई नहीं करना है। गवर्नमेंट के लिए किया प्रयास, नहीं हुआ, फिर हमने उसे बिजनेस को करने को बोला, जो हमारा अपना बिजनेस है वो कंपनी प्रोप्राइटर है। आप लोग ये मत भूलिए, आप लोग ये जज करते हैं कि वो सिर्फ नाचता है और इंस्टा पे रील्स बनाता है, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वो एक एलिवेटर कंपनी का प्रोप्राइटर है, जो कि आज तक आप लोग नहीं जानते होंगे इस चीज को, लेकिन आज हम उसके पिता हैं, हम बता रहे हैं। वो एंजॉयमेंट के लिए अपना होता है, वो सिर्फ एक पार्ट टाइम उसका एक शौक है जो वो करता है, न कि उस पे वो निर्भर है, उस पे डिपेंड है। आज वो अपना इतना कर लेता है कि वो अच्छा भला वो अपना लाइफ को एंजॉय कर सकता है, तो एक कंपनी प्रोप्राइटर है वो, आप लोग उसे हल्के में मत लीजिएगा। जो आप लोग सोचते हैं ना, वो चीज़ जानने का कोशिश करिए कि वो है क्या, और नहीं यकीन होगा तो आके हम यही रीजन है कि वो बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो बिजी है काम में। और स्वेगी से राजपूत है कि उनको शौक है कि हमें कलाकार बनना है, हमें हीरो बनना है, तो अपनी लाइफ को स्ट्रगल में लेके जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ जान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बाहर आ रहे तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम सब हैं, उनके साथ हम है, उसका बड़ा भाई है, उसका पापा है, मम्मी है, हम सब साथ एनी टाइम, हर सेकंड का कॉल एक दूसरे को हम लोग आता रहता है। और वैसा वो इतना अच्छा वो भी है कि मतलब अपने मम्मी पापा को फोन करता, अपने भाई से हर चीज सलाह लेता है। आप उनके फिक्र करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उनके अच्छे में बोल रहे थे कि उनके लिए आपको, जैसे उनका फैन है तो आप उनके मतलब सपोर्ट बोल रहे हैं, उनको मतलब कहते ना कि कदर कर रहे हैं, उनसे लगाव है आपको इसलिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद बोलेंगे आपको। नहीं नहीं अच्छी बात है, ऐसा कदर करना चाहिए, ऐसा फैन होना चाहिए फिक्र करने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों में गलत ये करते हैं। हाँ इसी के कारण है कि बाबा कहीं नहीं जाता है, बाबा का काम भी तो है ना यहाँ पर, वो अपना काम भी करता है और उसको इतना ख्वाहिश नहीं है कि हाँ हमको हीरो ही बनना है या ऐसा। हाँ चलो बिजनेस है, अपना जो शौक है वो पूरा कर ही रहा है, लेकिन उसका शौक अलग है। हर कोई के एक अपना अपना होता है जीने का तरीका, उसका जीने का तरीका वो है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें हीरो बनना है। इसका था कि हाँ पढ़ाई कंप्लीट किया अपना, ये पार्ट जॉब अपने बिजनेस कर ही रहा है, फिर पार्ट साइड में अपना ये जो शौक है इसका रील्स का, तो ये सारी चीज कर रहा है, तो ये भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। नहीं कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम कॉमेंट भी पढ़े थे, कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब जॉब करिए, ये अंकल इस आंटी इसको बोलिए जॉब हाँ, करे से ये नाचने दोनों नल्ले बेटे हाँ ये नाचने में क्या रखा है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि वो जितना ईयरली उसका इनकम है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो बिजनेसमैन है, वो प्रोप्राइटर है कंपनी का, आप लोग ये समझ लीजिए। आज हम आपको बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे थे लेकिन आप लोग मजबूर कर दिए बताने के लिए हमें। अब वो खुद से नहीं ये चीज बताता है कि हम क्या हैं, लेकिन आप लोग को आज बताना हम उचित समझे, इसलिए कि आप लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। आप लोग ऊपर पर कहीं देखते हैं, अंदर से गहराई से भी देखिए ना। हाँ इंस्टा पर आके बोल देते हैं लोग, बेटे इतना चाह रही है, अरे क्या कर रहे हो, तुमको क्या मालूम, तुम लोग को कुछ नहीं मालूम बेटा, बहुत कुछ है और अच्छे हैं जो भी।
अपना शौक पूरा कर रहा है, अपना ये भी स्ट्रगल कर रहा है अपने कुछ लाइफ में, अपना हाँ अपने लिए कुछ करना चाह रहा है कि हाँ हम अपना शौक है कि हाँ सोशल मीडिया पर रहे, तो कोई खराब चीज तो नहीं है। जिसका जो पसंद होता है उसको करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है एक ही लाइफ। हम अपने घर में ना बंदिश नहीं डाले हुए अपने बच्चों को, सबसे हम एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बना के हम लोग फेसबुक पर भी डाले हैं कि बच्चों को जो शौक है ना उसको करने देना चाहिए। इंसान का लाइफ एक बार मिला है जीवन में, इसे खुल के एंजॉय करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन मत लीजिए किसी के बारे में। उसके उन दोनों के लिए हम लोग हैं टेंशन लेने वाले, आप लोग हमें सजेस्ट नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है अपने बच्चों को, कैसे करना है, कैसे रखना है। अनाथ तो वो है नहीं जो आप हमें समझा रहे हैं, आपसे कहीं ज्यादा तजुर्बेदार ना है हम लोग। पूरा लाइफ अपना हम बच्चों में कुर्बान कर दिए हैं, इसलिए आप लोग हमें मत समझाइए कि क्या करना है बच्चों को और कैसे रखना है। हमारे तीन बच्चे हैं और तीनों पे हम लोग का निगाह रहता है एनी टाइम। हाँ, बेटी के शादी दिए हैं तो उसका मतलब कहते हैं ना कि हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको दामाद बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छे, मतलब इतने अच्छे हैं वो कि बता नहीं सकते। दामाद हैं, फैमिली उनका, तो फैमिली भी बहुत अच्छे हैं, तो वो अपनी जिंदगी में खुश है और अपनी जिंदगी को जी रही है, तो उनमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते नहीं। क्योंकि हम वो माँ बाप नहीं है कि हाँ बेटी को हर टाइम पूछते हैं कि बेटी खाना क्या खाई, पानी क्या पी, और हमारी बेटी भी ऐसी नहीं है कि हर बात बताती रहती है कि मम्मी मेरे घर में ये हो रहा। दोनों बेटे को, तो दोनों बेटे हम लोग से बहुत अटैच हैं क्योंकि हर छोटी छोटी चीज बताते हैं, क्योंकि ये मेरा जिम्मेवारी है दोनों बेटे का और हम उनका जिम्मेवारी है, हम एक दूसरे के मतलब जिम्मेवार पर्सन हो गए, क्योंकि अगर बेटा ख्याल हम रखेंगे तो हमारा ख्याल भी बच्चे रखेंगे ये, तो इसीलिए हम तीनों बच्चे से खुश हैं। और कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है इंसान को, तो हमारा परिवार वैसा ही है, हर इंसान ना एक दूसरे मतलब सब एक दूसरे का ख्याल रखता है लेकिन अपने अपने काम कर रहा है लोग, ये नहीं है कि बैठ के टाइम पास कर रहा है लोग, ऐसा नहीं है, अपने अपने काम। जैसे मैं भी पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, अभी तक काम वाली हमारे यहाँ नहीं आई है, वो आती है 11:45 में, कभी 12 बजे आती है, तो इसलिए हमारा नाश्ता पानी में भी लेट हो जाता है, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता बनाएंगे क्या जी। चाय कितने बार पी ली है? चाय तो अभी एक बार पिए हैं, अभी बाबा को उठाएंगे तो बाबा को देंगे, तो उस टाइम हम भी पियेंगे, फिर बाबा उठेगा पी लेगा, उसके बाद 11:12 बजे नाश्ता करेंगे, तो उस टाइम सनी बना देगा नहीं तो हम ही बना देंगे, दोनों से कोई बनाएंगे। हमारे घर में चाय सिर्फ हम पीते हैं और बाबा पीता है, और कोई चाय नहीं पीता, न स्वैगी पीता है, न स्वैगी के पापा पीते हैं, खाली बाबा पीता है और हम ही दोनों माँ बेटे पीते हैं। हम लोग के भी हिस्से का यही पी जाती पी ही जाते हैं, मतलब समझिए कभी कभी 2 किलो दूध का हो जाता है, 1 किलो दूध तो डेली है, 1 किलो दूध का चाय दोनों माँ बेटे डेली पीते, उसमें कोई पीता नहीं है, और कभी कभी 1.5 किलो भी अनलिमिटेड। हाँ, तो चाय पीते रहते हैं, अभी तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, इतना चाय कि लोग बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमेशा चाय 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 की। हाँ, ये ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय।